सूरत के ज्वेलर्स ने बनाया चांदी का राम मंदिर, कीमत करीब 7 लाख, 2 महीने में हुआ तैयार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र द्वारा गठित ट्रस्ट ने अक्टूबर तक मंदिर के गर्भगृह का निर्माण पूरा करने और 21 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर इसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने का लक्ष्य रखा है। सूरत के एक ज्वेलर्स ने राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृतियां बनाई है। डी खुशाल भाई ज्वेलर्स के मालिक दीपक चौकसी ने बताया कि राम मंदिर भारतीय संस्कृति की धरोहर है, इसलिए हमने सोचा कि इसकी प्रतिकृति हम चांदी में बनाए। हमने 4 अलग अलग प्रतिकृतियां बनाई हैं। सबसे छोटा प्रतिकृति 650 ग्राम चांदी से बना हुआ है और सबसे बड़ा 5.5 किलो चांदी से बना हुआ है। सबसे छोटे मंदिर की कीमत करीब 80,000 रुपए है और सबसे बड़े मंदिर की कीमत करीब 5.5 लाख रुपए है। इसे बनाने में 2 महीने लगे हैं। राम मंदिर के गर्भगृह की छत तैयार होने लगी है। गर्भगृह की दीवारें तैयार होने के बाद अब बीम के पत्थर संयोजित किए जाने लगे हैं। इसकी शुरुआत गर्भगृह के प्रदक्षिणा पथ के हिस्से से हुई। इस दिशा में दीवारों पर बीम के पत्थर लगाए जा रहे हैं। इसके ऊपर छत के गढ़े पत्थर लगाए जाएंगे, साथ ही गर्भगृह की दीवारों पर सफेद मार्बल लगाया जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखी। उन्होंने पूछा, दिसंबर तक मंदिर कैसा दिखेगा, कितना हिस्सा तैयार हो जाएगा? कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर तक मंदिर का प्रथम तल, नृत्य मंडप और रंग मंडप निर्मित हो जाएगा। मंदिर के फर्श पर संगमरमर लग जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र द्वारा गठित ट्रस्ट ने अक्टूबर तक मंदिर के गर्भगृह का निर्माण पूरा करने और 21 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर इसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने का लक्ष्य रखा है।